आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, लेकिन उसके करने से पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो रियल नंबर्स में क्या होता है, वैसे तो मैंने पहले बताया, फिर भी बता देते हैं। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल आते हैं। रैशनल क्या होते हैं? रैशनल भी जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू नॉन जीरो। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 2/3, 7/8। अब 14/21 है, तो 14/21 को रैशनल नंबर नहीं लिखेंगे हम, पहले जो कटता है उसको काटेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 2/3 को रैशनल नंबर कहेंगे, 14/21 को नहीं कहेंगे, 2/3 को। रैशनल नंबर में जो भी कटता है पहले उसको काट दें, ठीक है। उसके बाद है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो एग्जांपल हमने किए थे ये किसके थे, टर्मिनेटिंग के। जो हमने दो तीन एग्जांपल किए वो टर्मिनेटिंग के हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 2.3434 डैश डैश, तो वो क्या है, रिपीट हो रहा है, 3434 रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये डैश डैश है, इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो एंड पॉइंट नहीं होता उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसका एंड पॉइंट हो उसको टर्मिनेटिंग। जैसे 2/3 है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है, एक फिक्स पॉइंट आएगा, उसमें डैश डैश नहीं आएगा, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। जैसे इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसका एंड पॉइंट नहीं है, और नॉट रिपीटिंग जैसे पॉइंट के बाद 1375 है, रिपीट नहीं हो रहा ना, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ऐसे एग्जांपल क्या होंगे इरेशनल नंबर के। 3.14 है, 3.414 क्या अप्रोक्सीमेट होता है, तो डैश डैश डैश, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर थे उसको हमने डिवाइड करके बता दिया आपको, 3/5 है तो 0.6 आएगा। कैसे आएगा, 3 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 छोटा नंबर है, तो उसके आगे हमने 0 लगा दी पॉइंट। अब ये नहीं गया तो पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो अब ये किस पे गया, 5 6 जा 30, तो ये क्या है, 0.6। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका एंड पॉइंट तो हो गया, आगे नहीं है, और डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे इसको। अब जैसे 5/4 है, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, अब ये नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया और 0 लगा दी, तो 10 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, तो 1.25 आ गया। तो 1.25 आगे नहीं जा रहा ना, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमने पहले बताए थे, फिर से बता देते हैं। वो ऐसे दो नंबर, उनको को प्राइम कहेंगे इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग अब तक तो हमने क्या किया था, डिवाइड करके बताया था कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक्सरसाइज में हम क्या है, डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड किए बगैर ही हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे पहले, तो अगर कटता है तो उसको काट देंगे, अगर नहीं कटता तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे, उसमें 2 या 5 होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको क्वेश्चन में और अच्छे से पता लग जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के बगैर आपने स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपने उसको डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवाइड ही आपने बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि ये कटता है या नहीं कटता, अगर कटता है तो उसको काट देना है, तो ये नहीं कट रहा और रैशनल नंबर है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो पी अपॉन क्यू। अब हम इसमें क्यू जो है, क्यू को देखेंगे कि क्या है वो, तो पहले तो 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे,
तो प्राइम फैक्टर ये तो आते ही हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फाइव से फाइव से वैसे मैंने करके दिखा दिया आपको, तो ये कितना है, फाइव टाइम्स फाइव आया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, फाइव टाइम्स फाइव आया तो फाइव का फाइव, तो थर्टीन बाई फाइव का फाइव। तो अब इसमें क्यू है, इसको क्या कहेंगे हम, क्यू, क्यू में फाइव आया है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगला है सेवनटीन बाई एट, तो ये क्या है, क्यू, तो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये टू फोर जा पे गया, फिर टू टू जा पे गया, तो ये कितने, थ्री टाइम्स टू आया, तो इसको क्या लिखेंगे, सेवनटीन बाई टू की पावर क्यूब। तो अब ये क्यू में हमारे पास क्या है, ओनली टू है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब थर्ड है सिक्सटी फोर बाई फोर फिफ्टी फाइव, तो फोर फिफ्टी फाइव को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फाइव पे गया, फिर सेवन पे गया, फिर थर्टीन पे गया, तो ये क्या अपनी फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टीन। ऊपर वाले का हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले से तो हमने ये चेक करना है कि अगर ये ऊपर वाला और नीचे वाला कटता हो किसी नंबर से तो उसको काट देना है, अदरवाइज ऊपर वाले नंबर का हमने कुछ नहीं करना, नीचे वाला नंबर देखना है। अब इसमें प्राइम फैक्टर क्या है, फाइव सेवन थर्टीन, तो अब फाइव तो ठीक है लेकिन ये सेवन और थर्टीन भी आ गया इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, फिफ्टीन बाई सिक्सटीन हंड्रेड, तो ये कट रहा है, पहले तो हम काटेंगे, फाइव थ्री जा पे कट रहा है, ये भी फाइव थ्री ट्वेंटी पे कट रहा है, तो हमारे पास ये आ गया थ्री बाई थ्री ट्वेंटी। तो हम इसको क्यों लेके चलेंगे, अब थ्री ट्वेंटी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने ये, तो ये क्या आया, सिक्स टाइम टू आया, इंटू में फाइव, टू की पावर सिक्स इंटू फाइव, तो हमारे पास सिर्फ टू है और फाइव है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये ट्वेंटी नाइन बाई थ्री फोर्टी थ्री, तो थ्री फोर्टी थ्री का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये सेवन 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 थ्री टाइम्स गए, तो इसको क्या लिखेंगे, सेवन की क्यूब, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या है, नॉन, ये रिपीटिंग क्यों आया, क्योंकि हमारे ये क्या है, रेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर होता तो उसमें आता है नॉन रिपीटिंग। अब ये सिक्स पार्ट है, ट्वेंटी थ्री अपॉन में टू की पावर क्यूब और फाइव की स्क्वायर, अब इसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो पहले ही है, और टू और फाइव है, टू और फाइव होता तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है वन ट्वेंटी नाइन बाई टू स्क्वायर फाइव सेवन और सेवन की फाइव, अब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, टू और फाइव तो है लेकिन ये सेवन भी आ गया इसके अंदर, सेवन आने की वजह से ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट है सिक्स बाई फिफ्टीन, तो ये कट रहा है, पहले तो उसको काटेंगे, टू बाई फाइव आ गया हमारा, अब टू बाई फाइव तो इसमें क्या है, फाइव आ गया, तो फाइव आते ही क्या बन जाएगा, ये टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फाइव बाई फिफ्टी, इसको काटेंगे तो ये सेवन बाई टेन हो गया, सेवन बाई टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू फाइव लिख सकते हैं, टू और फाइव है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टेंथ क्वेश्चन है सेवेंटी सेवन बाई टू हंड्रेड टेन, पहले तो ये कट रहा है, उसको काटेंगे सेवन पे कट काट गए, तो ये इलेवन बाई थर्टी आ गया, अब थर्टी के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आ गया, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीटिंग तो क्योंकि रैशनल नंबर है, रिपीटिंग आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टू और फाइव तो है लेकिन ये थ्री एक्स्ट्रा आ गया इसमें, जो कि नहीं आना, अगर थ्री नहीं होता तो टर्मिनेटिंग बन जाता, लेकिन थ्री आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में जो रैशनल आए हैं उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं, तो इसमें फर्स्ट में आ गया था हमारा रैशनल, ये टर्मिनेटिंग आया था, तो इनको हम क्या करेंगे, डेसिमल में निकालेंगे, ये डिवाइड करना है सिर्फ, ये तो आपको वैसे आता है, ये मैंने कर दिया, बस थर्टीन को थ्री वन टू फाइव से डिवाइड करना है, तो ये नहीं जा रहा, टू नंबर है, ये फोर नंबर है, तो ये पॉइंट के बाद क्या लगेंगी, पहले दो जीरो लगेंगी, तभी हम दो जीरो उतार सकते हैं, फिर ये इस पर फोर जा पे जाएगा और ये इस पर फोर के बाद फिर वन पे जाएगा, सिक्स पे जाएगा, तो ये हमारा ये आ गया 0.00416। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा टर्मिनेटिंग आया था, तो इसलिए हमें ये डेसिमल
में निकालना पड़ेगा डिवाइड करके, तो ये हमने डिवाइड करके डेसिमल में निकाल दिया। डिवाइड आपको आता ही है करना, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फोर्थ आया था हमारा टर्मिनेटिंग, तो इसको पहले हम काट देंगे, तो 3/3 20 आ गया। फिर काटने के बाद फिर हम 3 को 3 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सिक्स था टर्मिनेटिंग, तो इसको हमने पहले 2 की 3 और 5 की 2 को खोला, तो 2 की 3 क्या होता है 8 5 की 2 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 200। तो अब 23 को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.115 आए। एट्थ क्वेश्चन है हमारा 6/15, पहले तो ये कट रहा है उसको काटेंगे 2/5 आया, तो 2 को 5 से डिवाइड करना है, तो 2 अंदर आ गया और 5 बाहर, तो अब पॉइंट नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, तो ये 5 4 20, तो 2/5 क्या आ गया 0.4। तो नाइन्थ है 35/50, पहले तो ये कट रहा है उसको काटेंगे तो 7/10 आ गया हमारा। अब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये नहीं जा रहा तो पहले पॉइंट लगा देंगे और 10 7 जा 70, तो 0.7। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में दिए हुए हमें एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नोट। तो हमने ये बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, रैशनल है तो उसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, और जो क्यू है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमारा ये दिया हुआ है 43.12345678 9, तो पॉइंट के बाद क्या है 9 नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 के आगे 90 लगा देंगे, तो ये क्या होगा रैशनल। क्यों? एक तो ये इसको 2 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टर इसके जो है 2 और 5 के फॉर्म में बनेंगे, तो जो क्यू है ये क्या होता हमारा क्यू, तो क्यू 2 और 5 के उसमें फैक्टर बनेंगे, तो ये हमारा क्या है रैशनल नंबर। अब ये क्या है 0.120 1200 1200 1240। अब इसमें क्या है रिपीट नहीं हो रहा, तो और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका एंड पॉइंट भी नहीं है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या बन जाएगा इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होता है वो क्या होता है इरेशनल नंबर। अब थर्ड पार्ट में हमें 43.1234 के ऊपर ये क्या बार लगा रखा है, यानी कि ये रिपीट होता जा रहा, बार बार ये रिपीट ऐसा रिपीट होता जाएगा, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या है रैशनल, क्योंकि ये फिक्स है यहाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। तो अब रैशनल है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम एक्स, ये मान लिया हमने 43 पॉइंट और ये इसका सारे का बार। तो नाइन्थ में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किए थे, तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 के आगे 90, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के आगे 90 से, तो ये हमारा एक्स था तो एक्स को इसे मल्टीप्लाई किया और इसको भी हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा जो ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है 9 नंबर के बाद चला जाएगा और उसके बाद सारा रिपीट होगा। अब क्या करेंगे इसमें से हम ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये हम घटा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें से ये एक्स को घटाएंगे तो ये कितना 9 × 9x आ जाएगा, और ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो एज इट इज आएगा, और ये 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 4 गया 4, और ये सारा क्या है सेम है, तो इसके नाम की क्या है 0 आ गई, ये 46 वो आ जाएगा और बाकी ये सेम आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या रैशनल है।